भाई एक नया ट्रेलर आया है और उस ट्रेलर के बाद में तो भाई मेरे मतलब दिमाग का दही हो गया है। आपको अगर खुद को सही दिखाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नीचा ही दिखाना जरूरी हो। नहीं समझ में आया, हमारी इंडस्ट्री की मेन फ्लैग, वुमेन एम्पावरमेंट की मेन योद्धा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तापसी पन्नू। सो मैंने कल के दिन में ट्रेलर देखा, ट्रेलर का नाम था शाबाश मिट्टू। अब ये ट्रेलर देखने के बाद में, ट्रेलर की स्टोरी से एग्जैक्टली क्या है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आऊंगा उस पॉइंट पे भी। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ट्रेलर की बात कर लेता हूँ। ट्रेलर में जो है तापसी पन्नू मिथाली राज का कैरेक्टर को प्ले करने वाली है और उनकी रियल लाइफ के ऊपर में जो है एक तरह की बायोपिक है ये। अब ये बायोपिक का जो ट्रेंड है मुझे नहीं पता बॉलीवुड से कब जाने वाला है। इनको ऐसा लगता है कि हर कोई जो है हर किसी के बारे में जानना चाहता है। चलो कुछ स्टोरी ऐसी भी होती है जो कि दुनिया को बताना जरूरी होता है ताकि लोग उनके बारे में जान पाए, खुद को इंस्पायर कर पाए। लेकिन आप धड़ल्ले से तो नहीं बना सकते ना, मतलब कोई एक स्टार ऐसा हो जाए जो धड़ल्ले से एक ही तरह के कैरेक्टर को प्ले किया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे एक ही तरह की फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्म भले से अलग अलग मिल रही हो इनको, लेकिन उनकी अंदर की जो आत्मा है ना वो एक ही तरह का काम करवा रही है। सेम एक्सप्रेशन, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम बॉडी पैटर्न, मतलब सभी फिल्म के लिए एक ही तरह की बॉडी की तैयारी की जा रही है। लाइक हमारा नंगा पहलवान, उनको लगता है कि शर्ट उतार देने से बात खत्म हो जाती है, जैसे हम यूट्यूबर्स को लगता है कि बॉलीवुड की ले करके हमारा व्यूज बढ़ जाएगा। इट्स अ मिथ, डोंट टेक इट सीरियसली मैन, जो फैक्ट है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, सो प्लीज लेट मी बी ऑनेस्ट। तो ट्रेलर में दिखाया जाता है कि भाई मिथाली राज का जो कैरेक्टर है वो बचपन से क्रिकेटर नहीं थी, लेकिन उनका जो भाई था वो क्रिकेटर बनना चाह रहा था, लेकिन उसके बीच में जो है मिथाली राज जी आ गई और उनका जो टैलेंट है उनके भाई के कोच ने देख लिया, और उसके बाद से जो है वो उनके पेरेंट्स को वुमेन क्रिकेट टीम के लिए जो है इनके लिए अप्रोच लेकर के जाते हैं और उनको बताते हैं कि इनके अंदर में एक नेचुरल टैलेंट है जो कि अच्छा लगता है। यहीं साथ साथ में जो है एक और डायलॉग रहता है ट्रेलर के अंदर में कि 5 वुमेन क्रिकेटर का नाम बताओ, और वहां पे प्योन नहीं बता पाता है। और वहीं ट्रेलर के लास्ट शॉट में दिखाया जाता है कि तापसी पन्नू यानी मिथाली राज से कहा जाता है कि आप कोई अपना एक फेवरेट मेल क्रिकेटर का नाम बताइए, और वहां पे वो साइलेंट रहती है। तो ये चीज जो है स्टोरी के हिसाब से काफी अच्छा लगता है, लेकिन तापसी पन्नू सीरियसली डिसअपॉइंटमेंट की दुकान बन चुकी है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई हीरो अपना ही काम को बार बार रिपीट करता है उस वक्त तो दुनिया उसको कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक लड़की जब अपने ही काम को बार बार रिपीट पे करती है या सेम तरह का काम करती है तो उसको इतने बैकलैश क्यों किए जा रहे हैं। मैम आपको शायद नहीं पता है, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अक्षय कुमार का, और अगर पुराने जमाने में चले जाए मतलब 90s के टाइम पे चले जाए तो उस टाइम पे नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती का, जिनके फिल्मों में पैटर्न एकदम सेम होता था। एक रेप सीन का होना जरूरी है, उनकी माँ बहन या फिर कोई भी फीमेल जो कि उनके फैमिली मेंबर हो उनके साथ में एक रेप सीन होता है, उसके बाद से जो है वो बदले की कहानी शुरू होती है और दे एक्शन जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। जी हाँ, मिथुन जी वही है जो हमारे वीडियो गेम को जो है बम का रिमोट दिखा करके उड़ा दिया था भाई गाड़ियों को। अब आते हैं अक्षय कुमार के ऊपर में। अक्षय कुमार देखा जाए तो एक टाइम पे एक्शन हीरो थे, जैसे कॉमेडी में आए वो कॉमेडी किंग हो गए, उनकी टाइमिंग की तारीफ की जाने लगी और हम बार बार उनको जो है कॉमेडी में देखना चाहते थे। और उसके बाद से जो अभी उनका हाल चल रहा है, अभी अक्षय कुमार किसी भी जगह पे अपना वेरियंट दिखा ही नहीं रहे। बस ऐसा लगता है कि देखो अपना 9 to 5 का जॉब है, वहां पे जाना है, काम करना है, घर पे वापस चले आना है, और वो सेम टू सेम, मतलब कोई बॉडी वर्क नहीं, कोई भी एक्सप्रेशन पे काम नहीं, बस थोड़ा सा मूंछ लगा लो, बाल बड़े कर लो, हो जाता है काम उनका। तो भाई उनको भी बैकलैशेस मिलते हैं, यहाँ तक कि सलमान भाई, उनको तो भाई पूरी दुनिया क्या है यार, पहला बंदा मैं हूँ जो हर बार ये एक्सपेक्ट करता हूँ इतने बड़ा मेगा स्टार के साथ में लोग ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ, सलमान खान को जाकर के कहना चाहिए माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा, मैं नहीं आऊंगा इस दिन, मैं वापस आ रहा हूँ माँ। बहुत ही सस्ता रोहित था, ऐसा बोलना चाहिए सलमान खान को, लेकिन वो कभी नहीं बोलते। उनको हर बार जो है सेम तरह की स्क्रिप्ट, सेम तरह का एक्शन दिया जाता है और सलमान खान भी आके कर जाते हैं। आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जाके छोड़ दो, लेकिन जो ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं, उनसे जाकर के पूछो कि वो क्या कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सेम तरह का रोल प्ले कर रहे हो तो भाई आप ही को सिर्फ बोला जा रहा है, बड़े बड़े दिग्गज स्टार तक को नहीं छोड़ा जाता है। तो आप तो भाई किस खेत की ही मूली हो मुझे नहीं पता। तापसी पन्नू जी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर आने के बाद में जितने भी लोग रिएक्शन एंड रिव्यू कर रहे हैं उनसे जाकर के पूछो कि वो आमिर खान को क्या कह रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा परफेक्शनिस्ट माना जाता है, बॉलीवुड के लिए एकदम परफेक्ट हीरो कहा जाता है कि वो अपने काम को लेकर के बहुत परफेक्शन दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बैकलैश किया जा रहा है कि भाई आपको और कैरेक्टर नहीं मिला, आप धूम 3 और पीके से इंस्पायर होकर के सेम कैरेक्टर को फिर से लाल सिंह चड्ढा में डाल दिए। तो भाई आप अकेले नहीं, और आप अपने आप को अलग समझना तो बंद कर दो। आई एम ट्रूली टेलिंग यू, आपसे कहीं ज्यादा बेटर कंगना रनौत है जिसका दिमाग और जबान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग के मामले में फाड़ के रख देती है, और उनका आज तक मैं ऐसा नहीं देखा हूं कि हर जगह पे सेम हो गया। वो थोड़ी सी बोबड़ी एंड तोतली है मेरे जैसे, लेकिन एक्टर
A1 है। सो आई थिंक इतनी बिचिंग काफी हो गई होगी, तो थोड़े चाट लेते हैं। चाटने की बात अगर की जाए तो भाई हमें मिताली राज जी के बारे में जानना जरूरी है, खास करके उन फीमेल के लिए जो कि भाई अपने आप को बहुत ही अंडरएस्टिमेट करती है, वो सोचती है कि वो कुछ कर नहीं सकती या फिर उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपना टैलेंट को सामने लेकर के आए और सारी दुनिया के सामने में रख के अगर आपके पास में टैलेंट होगा तो सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे और आपको जो है उस मुकाम तक लेकर के जाएंगे जहां की आप हकदार हो। आई थिंक इतना चाटना काफी है। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस ट्रेलर। व्हाट्स टू टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देखा तो आपको कैसा लगा जरूर बताना, और अगर आपने डॉन 3 के ऊपर में बनाए हुए वीडियो को आपने नहीं देखा मेरे चैनल पे तो यार जाओ जाकर के फटाफट से देखो और पता करो कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में मैंने दिया है। बाय।